हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरकारी शिक्षक बनने अतिथि शिक्षकों ने लगाए थे फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, अब FIR की तैयारी। दोस्तों पूरी अपडेट हम देखते हैं तो 6 माह की लंबी अवधि के बाद जिले में पकड़े गए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने संबंध मामले में जाँच रिपोर्ट पूरी हो गई है, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी जारी होना भी सिद्ध हो गया। मामले की जाँच रिपोर्ट में इनकी सरकारी नौकरी प्राप्त कर शिक्षक बनने वाले युवकों को दोषी पाया गया, लेकिन 6 माह तक चली जाँच बनने वाले व्यक्ति को पता नहीं चला सका, क्योंकि जिस ID से ये बने थे उसका उपयोग शिवपुर बीओ सहित 2 संकुल प्राचार्य कर रहे थे। इसलिए जांच प्रतिवेदन में डिप्टी कलेक्टर श्री संजय जैन की विस्तृत जांच के लिए मामले में FIR की आवश्यकता जताई, ताकि साइबर क्राइम एक्सपर्ट जांच करने यह तय कर सके कि इन फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र को बनाने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो पैसे लेकर बनाए गए थे अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, कलेक्टर को सौंपी जांच रिपोर्ट। कुल मिलाकर यहाँ पर जो फर्जी अतिथि शिक्षक थे वो ज्वाइनिंग पा गए थे, लेकिन अब उन पर FIR की जा रही है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों तो फर्जी प्रमाण पत्र पर इनकी नियुक्ति की गई थी, जो कि अब निरस्त हो चुकी है। बीओ सहित इन प्राचार्य की संलिप्तता की होगी जांच। दोस्तों मामले में FIR की आवश्यकता जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। इसमें साफ लिखा है कि लेकिन किस कंप्यूटर से यह प्रमाण पत्र बने उसका पता नहीं चल सका, इसलिए मामले की FIR की आवश्यकता जताई है, ताकि इसकी साइबर जांच हो सके और डिटेल कलेक्टर साहब बता सकेंगे, क्योंकि रिपोर्ट उन्हीं के पास है। श्री संजय जैन डिप्टी कलेक्टर जांच अधिकारी जयपुर है, उनकी यह वक्तव्य है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है पर दोषियों को बख्शे नहीं जाएंगे। मैंने अभी जांच नहीं पढ़ी है पर मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सभी पर जो भी कार्रवाई आवश्यक हो वो कराई जाएगी, जाँच की जरूरत होगी तो वह भी कराई जाएगी। ये जो कलेक्टर है शिवपुर के, उनका वक्तव्य है। दोस्तों कुल मिलाकर जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं दिन रात एक करके स्कूल में अध्यापन कार्य करा रहे हैं, उसके बाद उन्हें जो अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है उस आधार पर वो ज्वाइनिंग लेते हैं। कुछ फर्जी अतिथि शिक्षक कैसे कर अपना प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और उनकी जगह वो नियुक्ति पा जाते हैं। आज हमारे जो अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं जिन्होंने वास्तव में मेहनत की है, उनका हक यहाँ पर मारा जाता है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी कार्रवाई है, और ऐसे जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र धारी अतिथि शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई नियमानुसार होनी चाहिए, और उनके जगह जो वास्तविक अतिथि शिक्षक हैं जो कि क्वालिफाइड भी हैं और जिन्होंने मेहनत की है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।